और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषियों की सजा में छूट को रद्द कर दिया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए यह भी कहा कि सभी दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात सरकार को सजा माफी का अधिकार ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी है। और समय से पहले रिहाई का फैसला महाराष्ट्र सरकार ले सकती है, क्योंकि ये मामला जो है वो महाराष्ट्र में चला था। ऐसे में रिहाई पहले देनी है, ये फैसला अगर लेना भी होता तो महाराष्ट्र की सरकार ये फैसला ले सकती थी। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बिल्किस बानो मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर। और इस वक्त ये भी हम आपको अपडेट कर दें कि जल्द से जल्द वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कहता है, जो कानूनी एंगल है, उससे यही आगे बढ़ रही है बातें कि उसमें अब उन तमाम चेहरों की गिरफ्तारी हो सकती है जो दोषी थे और जिनका समय से पहले रिहाई कर दिया गया था गुजरात की सरकार की तरफ से। और न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विक्रांत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा में छूट का आदेश रद्द कर दिया है, तो क्या दोबारा गिरफ्तारी होगी? देखिए, बिल्कुल, इस मामले के जितने भी दोषी थे उनकी दोबारा गिरफ्तारी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा है कि जो जब इन दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी गुजरात में समय पूर्व रिहाई के आदेश के लिए, तो उन्होंने कोर्ट से कुछ चीजें छिपाई थी, यानी कोर्ट के सामने भी जालखाजी की थी, कोर्ट को तथ्य नहीं बताए थे। कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले का ट्रायल चूंकि महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र सरकार को ही इस मामले में फैसला लेने का पूरा अधिकार था। गुजरात सरकार ने जो फैसला लिया वो ठीक नहीं था, वो न्याय की दृष्टि से उचित नहीं था, क्योंकि इस मामले का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था। तो कोर्ट ने अब उनके उस आदेश को खारिज कर दिया है जो गुजरात सरकार ने लिया था, और अब कोर्ट ने इस मामले के जो दोषी हैं, कोर्ट के इस आदेश के बाद अब उनको सबको कोर्ट दोबारा से जाना पड़ेगा हिरासत में, क्योंकि कोर्ट से वो दोषी करार दिए गए हैं और उनकी जो समय पूर्व रिहाई का जो आदेश था वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो निश्चित तौर पर बिल्किस बानो के लिए ये बड़ा फैसला, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि उनके साथ जिन लोगों ने एक जघन्य अपराध किया था उन सभी को समय पूर्व रिहाई नहीं मिलनी चाहिए थी इस तरीके का घृणित कार्य करने वालों के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इस फैसला सुनाना शुरू किया तो शुरुआत में ही कहा कि महिला भी महिला सम्मान की हकदार है। तो उसी के बाद कोर्ट ने पूरा फैसला सुनाया और कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये साफ हो गया है कि ये सभी दोषी, इनकी जो समय पूर्व रिहाई हुई थी वो अब रद्द हो जाएगी और सभी को दोबारा से हिरासत में जाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर हम आपका रुख करते हैं, लेकिन बड़ी बातें क्या है, बिल्किस बानो पूरा केस क्या है, ये भी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पे अपडेट कर रहे हैं। कब सजा में छूट मिली, कब वो बाहर आए, उनकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के बाद बिल्किस बानो मामले को लेकर एक बार फिर लोगों की भावनाएं आहत हुई थी और नए सिरे से लोगों ने सवाल उठाए थे। आपको एक एक करके बताएंगे कि बिल्किस बानो केस आखिर है क्या पूरा। दरअसल गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इसके अलावा बिल्किस के परिवार के 7 सदस्यों की दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। 2023-15 अगस्त को सभी 11 दोषियों को सजा में छूट दी गई थी। नवंबर 2023 में सामाजिक कार्यकर्ताओं सजा में छूट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया था। और इसी मामले में आज का ये दिन काफी अहम है, क्योंकि बिल्किस बानो ने जो याचिका दायर की थी उसे स्वीकार कर लिया गया है और यहाँ पर जो रिहाई की गई थी समय से पूर्व उसे रद्द करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया।